एक कहावत है बहुत पुरानी, खाली दिमाग शैतान का घर, सुना है आप लोगों ने? इसको ध्यान से समझ लो, आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको दो फायदे हैं, एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। दैट कुड बी एज सिंपल एज से एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और मे बी समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। डोंट सिट आइडल, कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं। गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई, अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं, अब वेला आदमी क्या करेगा? पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, राइट? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है। एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो। अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो अब टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकंड ऑप्शन क्या है? कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माइसेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी। अब सोचो कहां है कनेक्शन? ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी। लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है, तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो। आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज करो। व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए। देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ। एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है, समझ रहे हो? और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे? आप सुनोगे उनकी बातों, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते रहे। मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ करके। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू वुड नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज है। एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए, एक आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए। कि आपको अगर कोई हर एक साल बाद मिलेगा तो मिलकर के क्या कहेगा? अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है बिल्कुल, तू बिल्कुल नहीं बदला, तो समझ जाओ गलत ट्रैक पर जा रहे हो। लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हो, पहले बेवकूफ थे, आज ही बेवकूफ हो। मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले
कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहेगा क्या हो गया तेरे को, मतलब तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गई, समझ गए? इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो गए। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए है। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। उसको अगर मैं समअप करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में, गलत काम भी अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड से कर रहे हो कि मुझे सीखना है एंड आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, तो अच्छा है। और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बेकार है, कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ बस घर वालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना, कि आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फायदा क्या है? इफ यू आर नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना? तो होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ। आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो जा करके अपने घर से निकल जाओ। घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे हुए हो, थके हुए टीवी देख रहे हो, उससे अच्छा है कि बाहर बैठ जाओ जाकर के, और जाकर के बैठ करके लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो वो बन चुके हैं उनको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो आप क्या बनने वाले हो? इंजीनियर बनने वाले हो। इंजीनियर बनके क्या करोगे, क्या करोगे? किसी ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पे काम करोगे, वहां बाहर जाकर के बैठ जाओ, देखो उन लोगों को जो वहां पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचना चाहते हो, जाकर के उन लोगों से बात करो। बात तो कर ही लेंगे, बात करने में क्या दिक्कत है? लंच ब्रेक होती है, उसके टाइम पे सब लोग बाहर आते हैं, करते हैं, बैठते हैं, तो उनसे बात कर सकते हो। ज्यादा नहीं, आपने दो चार लोगों से भी बात करी, कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। उनको बताओ कि ऐसे ऐसे मैं यहां पर हूं, इस कॉलेज में हूं, और मैं आगे जाकर के कुछ अच्छा ऐसा करने का सोच रहा हूं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। कैन यू शेयर समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस टू मी? इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सोचो, तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे, क्या वो छोटी चीज होगी? बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप एक तो बिजी हो रहे हो, दूसरा आप सीख रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव सीख रहे हो। तो हो सकता है उनसे बात करके आपको आइडियाज मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला, साथ में ये भी कर लो। तो नाउ यू हैव एन एज, मतलब आपके कॉलेज में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो, आप में और उनमें एक फर्क आ गया, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे, शायद वो समझ नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, बट आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह से आप अगर अपना ये माइंडसेट बना सको कि मुझे, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, एक तो मेरे को हमेशा अपने आप को बिजी रखना है और कुछ ना कुछ सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, देन यू विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड देन दिस ग्रोइंग विल बिकम योर हैबिट। आदत पड़ गई, जैसे हर एक की अपनी एक आदत पड़ जाती है, वो आदत इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है, आते अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी अगर आदत पड़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, समझ गए, गए पूरी लाइफ के लिए, मिल भी गई तब भी मरे, नहीं मिली तब भी मरे, नहीं मिली तो रोते रहोगे, और मिल गई तो कंफर्ट जोन में चले जाओगे, और कंफर्ट जोन बड़ा बोरिंग होता है। ये अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आप अपने आप को देखोगे, अगर ये कंफर्ट जोन में पहुंच गए, तब आपको रियलाइज होगा कि यार लाइफ कितनी बोरिंग है, रिपीट होने लग जाती है लाइफ, सेम रूटीन चलने लग जाता है। शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है, नई कंपनी में गए, नई जॉब, नए लोग, ये हो, फिर जैसी रूटीन में जाते हो सब बोरिंग लगने लग जाता है। मेक ग्रोइंग योर हैबिट, इफ दैट इज योर हैबिट, अगर वो आपकी आदत बन गई है, अब आप कुछ कमाल के बन सकते हो, अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो जिसको देख करके the whole world will be proud of you.
चलो दुनिया को भी छोड़ो, दुनिया वेदर दे विल बी प्राउड ऑफ यू और नॉट, बट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर और आप कहोगे यार कमाल है. डेली रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो, मैंने आज क्या सीखा आज पूरे दिन में. धीरे धीरे ये हैबिट ऐसी बन जानी चाहिए कि 24 घंटे आपके माइंड यहीं पे चलना चाहिए कि मैं अभी क्या सीख रहा हूं. एक है आज क्या सीखा, एक है मैं अभी क्या सीख रहा हूं, इस मोमेंट में मैं क्या सीख रहा हूं. मेट्रो में जा रहा हूं, बैठा हुआ हूं, लेकिन क्या मैं कुछ सीख रहा हूं. धीरे धीरे अगर आपके ऐसी हैबिट बन गई तो क्या होगा, अब आप खुद से भी बहुत कुछ सीख सकते हो. और एक बात बताऊंगा, आई एम नॉट टू श्योर वो समझ आएगी या नहीं आएगी, बट कोशिश करना पकड़ने की. अगर आप खुद को ढंग से ऑब्जर्व कर पाओ ना कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपका माइंड कैसे काम करता है, तो आप पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को समझ गए. क्योंकि सबका माइंड और सबकी बॉडी एक ही तरह से काम करती है, कोई फर्क नहीं है. तो जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो अपने आप को ऑब्जर्व करो. हमारा सबका ध्यान कहां है, बाहर की तरफ है, लोगों की तरफ है, चीजों की तरफ है. कुछ देर के लिए धीरे धीरे अपनी आदतें बदल करके अपने आप को ऑब्जर्व करो. माइंड हमारा कैसे भागता है अट्रैक्शंस की तरफ, और वहां से निकलना वैसे तो मैं बोलता हूं आसान है बट कितना मुश्किल होता है. राइट, समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें, टाइम किल हो जाता है. सोच के खोलते हैं अपने मोबाइल को या इंटरनेट को कि बस 5 मिनट, और 5 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता है. होता है विदाउट सेल्फ कंट्रोल आप बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हो, यानी कि पैसा कमा सकते हो. बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं और बहुत पैसा कमा चुके हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन क्या वो खुश है, क्या वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है. कंटेंटमेंट का मतलब समझते हैं. एम्बिशन का मतलब तो समझते हैं, ये पा लो तो ये हो जाएगा. कंटेंटमेंट का मतलब क्या है, इसका भी मतलब कुछ लोग गलत निकाल लेते हैं कि जो है उसमें खुश होना, इसका मतलब क्या है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. समझ गए, आलसी लोग इसको यूज कर लेते हैं, कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जो है सब बढ़िया है, खड़े रहो. ये नहीं है. कंटेंटमेंट मीन्स कि मैं अपनी तरफ से हर काम में अपना 100% लगा रहा हूं या लगा रही हूं, उसके बाद में जो भी कुछ हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको फ्रीडम बोलते हैं, इसको कंटेंटमेंट बोलते हैं. समझ गए ना बारीकी से कि आई एम नॉट लेजी. कंटेंटमेंट इज नॉट सिनोनिमस विद लेजीनेस जैसा कुछ लोग सोचते हैं. इट मींस आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग समथिंग, कॉन्स्टेंटली बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर. मैं जो हूं, जो बन रहा हूं, उससे मैं खुश हूं, पूरी तरह से खुश हूं. कुछ बुरा भी हो रहा है उससे भी मैं खुश हूं, क्योंकि बुरे से भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं. मेरा मकसद अर्निंग नहीं है, लर्निंग है. कुछ बहुत बुरा हो रहा है मेरी लाइफ में तो मैं रो नहीं रहा हूं बैठ करके गधों की तरह जैसे लोग करते हैं. कुछ अच्छा हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, कुछ बुरा हो जाएगा तो रोने लग जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया. अच्छा मतलब क्या, सबके लिए अच्छे की डेफिनेशन अलग अलग है. आपके लिए अच्छा कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है. तो जो मैं चाहता हूं वो हो जाए तो मैं खुश हूं, यही हुआ ना अच्छे का मतलब. वो ना हो तो मैं दुखी हूं, तो आप दुखी ही रहोगे. क्योंकि जैसा आप चाहते हो 90% से ज्यादा सिचुएशन में वैसा नहीं होता है. तो आप 10 दिन में से 9 दिन दुखी रहोगे, 1 दिन खुश हो जाओगे, फिर 9 दिन दुखी रहोगे. ऐसा ही होता है लोगों के साथ में. ये एक सही वे ऑफ लिविंग नहीं है, वो लोग लाइफ को समझ नहीं पाए. मजा क्या है लाइफ में कि 10 के 10 दिन या महीने में 30 दिन है तो 30 दिन खुश, 24 घंटे हैं तो 24 घंटे खुश, कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो खुश, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो खुश, दुखी भी हो तो खुश. क्यों? क्योंकि दुख से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दर्द से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दर्द भी हो रहा है तो खुश, दर्द में आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है. अब अगर ये कर पाओ तो फिर मजा आएगा लाइफ जीने का. नहीं तो कुछ बन भी गए इधर उधर, थोड़ा बहुत इधर उधर टॉप भी कर लिया, ये वो बहुत देखे मैंने टॉपर्स टूपर्स. आपकी एज में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में
कि उसने टॉप कर लिया, मैं टॉप नहीं कर पाया, आने वाले 10 साल बाद देखना वो टॉपर क्या कर रहा होगा। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए और वह धक्के खा रहे हैं, और ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो मीडियोकर थे कॉलेजेस में इधर उधर ये वो, और आज बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इन लोगों से आप सीख सकते हो कि इसका मतलब नंबर ही सब कुछ नहीं है। अभी हमारा दिमाग ऐसे चलता है, मार्क्स 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 मार्क्स, मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ में और भी बहुत कुछ चाहिए। एक एटीट्यूड भी चाहिए, एक पर्सनालिटी चाहिए, राइट फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, टीमवर्क का मतलब हमको समझ आना चाहिए कि हम जा करके किस तरह से लोगों के साथ में एक हो जाए। लाइफ को मजेदार बनाओ, डर को निकाल दो, बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दो, मुझे सिर्फ सीखने पे फोकस रखना है, सीखने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में और जिंदगी बहुत छोटी है, कुछ ना कुछ करते रहो, दिमाग ये लगाओ कि कैसे मैं अपने आप को बेटर बनाऊं, कल से बेटर हुआ मैं, हाँ हुआ, बढ़िया है, कल से मैं और ज्यादा मैच्योर हुआ, कल से मैं और ज्यादा वाइज हुआ, कल से मैं और ज्यादा स्ट्रांग हुआ अंदर से, क्या मैं प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रहा हूं, बढ़िया है। बस यही एक चीज है जिसको हमको समझना है, अपने आप से कॉम्पीट करते चले जाओ, वहां पे कोई रिस्क नहीं है, हारे तब भी आपकी जीत है, जीते तब भी आपकी जीत है, हार है ही नहीं ना, यू कैन नॉट लूज इन दैट गेम, यू कैन नेवर लूज, जीत ही जीत है हर तरफ से, अपने आप से कॉम्पीट करो, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया आपको बोल रही होगी कि यार ये तो बस कुछ कमाल का कर गया बंदा, यानी कि दुनिया क्या कह रही होगी, अभी इसका पीक है, तब अपने आप को क्या बोलना, अभी तो मेरी शुरुआत है, समझ रहे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो देखो आगे आगे क्या क्या होने वाला है, अभी करने के लिए बहुत कुछ है।